अभी 6 साल से इनके बाईं बाजू के नीचे खिलती थी और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि बहन के सहने से बाहर होती जा रही थी। और ये बता रही हैं कि बहन की समस्या बढ़ती जा रही थी और उस गिल्टी का असर इनकी ब्रेस्ट पर होने लगा। इनकी ब्रेस्ट में से वाटर डिस्चार्ज होने लगा। बहन का नाम पास्टर बबली यूसुफ है, ये लुधियाना से आए हैं। बहन बता रहे हैं 6 साल से इनके लेफ्ट अंडर आर्म में इनके बाईं बाजू के नीचे गिल्टी थी। ये बता रहे हैं उस गिल्टी के कारण इन्हें बहुत दर्द होता था और गर्मियों में उस जगह पर इन्हें ऐसा महसूस होता जैसे सुइयां चुभ रही हैं। और ये बता रहे हैं ऐसी जलन होती जैसे आग की तरह। और बता रहे हैं कि बहन गर्मियों में एक रुमाल के अंदर बर्फ़ डालकर अपने बाजू के नीचे रखती थी ताकि इन्हें कुछ सुकून मिले उस जलन से। और ये बता रहे हैं कि जब जब पसीना आता उस जगह पर बहुत गंदी स्मेल आती थी और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि बहन के सहने से बाहर होती जा रही थी। और बहन बता रहे हैं इन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक दवाइयां खानी शुरू करी और बता रहे हैं दवाइयां इतनी ज़्यादा खा ली कि इनकी हड्डियों में दर्द रहने लगा और इन्हें लुकोरिया स्टार्ट हो गया। और बता रहे हैं फिर ये डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने कहा होम्योपैथिक दवाइयां बंद कर दो और इन्हें बोला कि आप एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा लो। और ये बता रहे हैं कि बहन की समस्या बढ़ती जा रही थी और उस गिल्टी का असर इनकी ब्रेस्ट पर होने लगा। इनकी ब्रेस्ट में से वाटर डिस्चार्ज होने लगा, ब्रेस्ट में से पानी निकलना शुरू हो गया। और बता रहे हैं दिन प्रतिदिन तकलीफ बढ़ती चली गई। इनके घर वाले इन्हें CMC हॉस्पिटल लुधियाना लेकर गए सितंबर 2021 में। वहाँ इनके टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई और डॉक्टर ने कहा आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, आपके जो सिम्टम्स हैं वो सारे कैंसर के हैं और ख़तरा बढ़ गया है। और इनकी जो रिपोर्ट्स आई 14 सितंबर 2021 हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उस गिल्टी का जो साइज था वो 12x13 mm का था, हम स्क्रीन पर रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ये बता रहे हैं कि डॉक्टर ने इन्हें सर्जरी के लिए बोला और ये भी कहा कि सर्जरी के बाद भी रिस्क है कि कहीं वो गिल्टी निकालने के बाद जो उसका असर है वो पूरे शरीर में फैल ना जाए। तो डॉक्टर ने बोला लेकिन वो गिल्टी बिना सर्जरी के निकलेगी भी नहीं। और ये बता रहे हैं ये बहुत कंफ्यूजन में आ गए कि अगर गिल्टी नहीं निकलवाते तब भी कैंसर हो सकता है और अगर निकलवाएं तब भी पूरे शरीर में वो फैल सकता है। और ये बता रहे हैं फिर ये KMM चर्च आए और इनके किसी फैमिली मेम्बर ने मम्मा जी से मिलकर समस्या को बताया और मम्मा जी ने शब्दों को रिलीज़ किया। उन्होंने कहा आप सर्जरी करवाओ, सब नॉर्मल हो जाएगा और कैंसर पूरी रीति से कैंसल है यीशु के नाम से। इन्होंने विश्वास से मम्मा के उन शब्दों को ग्रहण किया और उसी विश्वास से ये 6 अक्टूबर 2021 को CMC हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ इनकी सर्जरी हुई और बता रहे हैं जब सर्जरी हो रही थी तब भी ये अन्य भाषा में थे और जब सर्जरी ख़त्म हुई इन्हें होश आया। इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में से बहुत सारे दूतों को बाहर निकलते हुए देखा। और ये बता रहे हैं उसी दिन दोबारा ऑपरेशन के बाद जब टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई, वो पूरी रीति से नॉर्मल थी। और डॉक्टर ने बोला ये किसी चमत्कार से कम नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ चुका था, आपके शरीर में सर्जरी के बाद भी वो कैंसर फैल सकता था। और ये बहन बता रहे हैं बहुत फास्ट इनकी रिकवरी हुई, अब 2.5 साल हो चुके, बहन पूरी रीति से आज़ाद है, कोई दर्द नहीं, कोई सिस्ट नहीं, कोई गांठ नहीं, हम वो गांठ को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 12.13 mm की थी। हम बहन से पूछेंगे अब आपके कोई दर्द नहीं? नहीं, इस वक्त
मेरे कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब पौने दो साल से अब पूरी रीति से उस गिल्टी से आजाद हो। हाँ जी, मैं बिल्कुल आजाद हूँ, ना कोई जलन होती है, ना कोई खारिश होती है, कोई सुइयां भी नहीं चुभती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद करें सब जन इस अद्भुत अद्भुत गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद।